नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का इंटरव्यू खास इस लिहाज से है क्योंकि आज आपको मेरे साथ स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि दो और चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अमूमन कलाकार एक होते हैं और बातचीत करने वाला मैं रहता हूं, लेकिन आज हमारे साथ देवाप्रिया भी हैं और समन्वय भी हैं। और इन लोग का समन्वय कुछ इस तरह से है कि इनकी जो वेबसाइट है उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और वो नाम है devasaman.com। तो ये जोड़ी कैसे बनी, ये दोनों कितने कमाल के कलाकार हैं, ये सब तो अभी हम लोग आने वाले मिनटों में बातचीत में करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। अच्छा, वैसे तो अमूमन आप दोनों लोगों से मैं ये बता रहा हूं कि अमूमन कलाकारों का परिचय मैं खुद देता हूं, हालांकि कलाकारों का परिचय देने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आप लोगों से बड़ी विनम्रता से मैं ये आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना परिचय स्वयं दें, क्योंकि ये थोड़ा एक नए किस्म का इंटरव्यू है। अभी तक ऐसा इंटरव्यू आपने किया नहीं जहां इस तरह की एक कोई जोड़ी बैठी हो साथ में। तो देवाप्रिया आप तो शुरू करते हैं, पहले आप अपने बारे में बताइए और फिर समन्वय जी अपने बारे में बताएंगे और फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा नाम देवप्रिय अधिकारी है और मैं गायक हूँ, शास्त्रीय गायक
सकते हैं डेफिनेटली। और शास्त्रीय विधा में जो भी ख्याल, ठुमरी, टप्पा, चैती, कजरी और गुरुओं की कृपा से जो मिला है, और अभी मैं ध्रुपद का भी शिक्षण ले रहा हूँ पंडित उदय भवलकर जी से, और उससे पहले मेरे गुरु जी पंडित समरेश चौधरी जी से मैं सीखा हूँ 14 साल, फिर हमारी गुरु माँ पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी से सीखा हूँ करीब 11 साल, और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी मेरी माता जी से, माता जी के पास और अनिता अधिकारी, उनके बाद फिर पंडित समरेश चौधरी जी, पंडित विजय किशन जी से भी सीखने का सौभाग्य हुआ है मुझे कुछ साल, और बस यही दौर रहा है। और हम लोग मैं जन्म झारखंड में हुआ है, पहले तो सिंधरी धनबाद, सिंधरी धनबाद में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन वो बिहार में था, अभी झारखंड है, 20-22 साल हो गए, और बस छोटे से शहर से मैं आया हूँ, अभी कलकत्ते का ही वासी हूँ, और पिछले उन सालों से गुरु के पास जो विद्या मिला है, दुनिया भर में गाने बजाने गाने गाने का सौभाग्य मिला है, और यहाँ आने के बाद अभी समन में अपना परिचय तो देंगे, वो साथ जुड़ने का मौका, सौभाग्य जो भी बोली हुआ, और मेरे संगीत जीवन में उसका प्रभाव, मेरे ऐसे जीवन में जो प्रैक्टिकल लाइफ जिसको कहते हैं, उसमें उसका प्रभाव हमारे दोस्ती का बहुत पड़ा है, और आई थिंक वी आर द ओनली ड्यूओ ऑफ द कंसिस्टेंट ड्यूओ ऑफ दिस टाइप विच वी कैरी फॉरवर्ड, एक्सक्यूज मी फॉर एनीथिंग इफ आई एम सेइंग रॉन्ग, जो कि कर रहे हैं काफी सालों से, हम लोग सोलोइस्ट तो हैं ही अपने अपने स्फेयर में, क्योंकि हमारे हमारा जो जर्नी है एज एन आर्टिस्ट, अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बोले, तो वो हम लोग आकाशवाणी में जब गाना बजाना शुरू किए, उसके बाद हम मानते हैं कि चलो अब हम इसको प्रोफेशनली बोल सकते हैं कि यस वी आर प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तो हम दोनों ही रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट हुए थे, वो 2000 में, मैं 2002 में, ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां से फिर हमको लगा कि हाँ वी कैन टेक इट इज अ प्रोफेशनल मीडियम ऑफ आर प्रोफेशन, तो फिर वहीं से शुरू हुआ, फिर उनसे मिले, हम लोग डुएट करना शुरू किए, और बस चल रहा है, अभी एक और नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल समन्वय, अच्छा आप नमस्कार, आपको वैसे वैसे तो दोनों ही आप दोनों ही लोगों को जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत रसिक हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन चूंकि मैंने जैसा कहा कि ये थोड़ा अनोखे किस्म का प्रयोग हो गया कि दो अलग अलग कलाकार, दो अलग अलग जॉनर के कलाकार एक साथ हैं राजगिरी के इस इंटरव्यू सीरीज में, तो मैंने कहा परिचय आप ही अपना दें, तो आपकी बारी है, अब आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं समन्वय सरकार कलकत्ते से, मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं का हूँ, कलकत्ते का ही, तो मैंने सितार सीखा है, सितार का ही मेरा जो तालीम है वो बनता गया, और उसके साथ अभी हाल ही में मैं सुरबार भी बजा रहा हूँ। तो मेरा पहला शिक्षा जो शुरू हुआ था वो हमारे यहीं के एक लोकल, हम जो सबौर में रहते हैं वहीं के एक लोकल गुरु जी हमारे पंडित शशांक बंदोपाध्याय सेनिया घराने के थे, तो उनसे मेरा शुरू हुआ। फिर उसके बाद 12 साल मैंने पंडित मणिलाल नाग जी विष्णुपुर घराने का उनसे सीखा हूँ। फिर उनके बाद मैंने सेनिया घराने के और एक स्टॉलवर्ट पंडित श्यामल चरण जी जी से सीखा हूँ 7 साल। फिर मैंने जो मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो एक्सेप्शनल है शिक्षा जीवन के, शिक्षा जीवन तो पूरा जीवन ही शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा लेने का है, तालीम का है, लेकिन मेरा जो प्रथागत जो शिक्षा है उसके उस जीवन का आखिरी जो 13 साल है मैं गाने के घराने में सीखा हूँ। पहले आगरा अत्रौली के पंडित कुमार प्रसाद मुखर्जी जी से सीखा हूँ 3 साल, और फिर बाद में 10 साल अप्पा जी से, पद्मभूषण गिरिजा देवी जी से, हम दोनों एक ही साथ सीखे हैं। और ये डुएट का जो सिलसिला है वो चालू हुआ करीबन, हम लोग मित्र बने 2002 में, क्योंकि इनके जो गुरुजी थे पंडित श्यामरस चौधरी जी उनके घर मैं मिला था इनसे। उसके बाद ये लोग ये भी शिफ्ट कर रहे थे कलकत्ता तब,
और वो शिफ्टिंग भी करीब करीब हमारे घर के ही, मतलब कि 15-20 फीट की दूरी पे है ये जो जहाँ रहते हैं। तो जैसे ही दोस्ती बढ़ा तो एक साथ बैठ के रियाज करने का और अपना सोच जो है वो एक्सचेंज करने का वो सिलसिला चालू हुआ। तो हमको फिर पता चला कि हमारे सोच विचार काफी हद तक एक तरह के हैं। अभी ये भी तब रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट हुआ था, मैं भी फर्स्ट हुआ था, तो हम लोग मिलते रहे एक दूसरे के साथ और बैठते रहे, क्योंकि इसका बीज हमारे गुरु जी ने रोए रोए थे, पंडित मणिलाल नाग जी ने। मैं जब सीखना शुरू किया तो उनका एक मंत्र था कि अगर सितार ठीक से बजाना है, राग ठीक से बजाना है, क्योंकि ये राग संगीत है, इसको अगर ठीक से बजाना है तो गाना सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाने का ही एक्सप्रेशंस फ्रेजेस जो है वही हम लोग सितार से निकालने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हर हर जो इस क्लासिकल म्यूजिक के जितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उनका जो लास्ट जो कहते हैं कि जो क्या कहें उसका जो एकम्प्लिशमेंट है वो उसी पे है कि उनके इंस्ट्रूमेंट से, उनके मीडियम से कितना वोकलिज्म, राइट, गाने का गायन शैली कितना निखार के आ रहा है। तो तभी ये बीज उन्होंने डाला था हमारे कान में। तो उसके हिसाब से मेरे पिताजी मुझे गाना बहुत सुनवाते थे छोटे से ही, क्योंकि मैंने शुरू किया था 4 साल की उम्र से, और मैं जब उनके पास गया तो मैं 5-6 साल का था। तो तब से ही मैं घर में, मतलब कि बहुत से का जो वो तब का जो वो BBC LP रिकॉर्ड जो होते थे, मेरे पिताजी के एक टर्न टेबल था, उसमें सब बड़े कलाकारों का मैंने गाना बहुत सुना। तो ये एक मंत्र मेरे कान में पड़ा था बहुत छोटे उम्र से। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर करना ही है इसको, अगर राग संगीत को ठीक से सीखना है तो गुरु जी के ये मंत्र को और आगे ले जाए। तो इसी इसी को नजर में रखते हुए मैंने गया मेरे गाने के जो गुरु जी है पंडित कुमार प्रसाद मुखर्जी, और उनके गुजर जाने के बाद अप्पा जी के पास। तो ऐसे ही चलता रहा, फिर दोस्ती भी बढ़ी और एक साथ साथ में जो रियाज करने का सिलसिला वो भी बढ़ा, वो समय भी बढ़ा। तो धीरे धीरे हम लोग समय भी बढ़ाते गए रियाज का और एक्सचेंज का जो है। तो लेकिन शुरू शुरू में वैसा कुछ फिक्स नहीं था दिमाग में कि डुएट करना है। हम लोग साथ में रियाज करते तो क्योंकि शवरेश अंकल के, शवरेश चौधरी, पंडित शवरेश चौधरी जी के ये उसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उनके कान में भी पड़ता था हम लोगों का रियाज एक साथ। तो इनके काफी देवप्रिय के कोई कई सीनियर गुरु भाई भी बताएं और अंकल भी खुद बताएं कि ये बहुत अच्छा बन रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, सिंक में भी लग रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग सोच सकते हो इसको लेके। तो बाद में से वही 2002-03 से शुरू करके हम लोग 2008 तक सिर्फ रियाज किए एक साथ बैठ के, और 2006 में एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था पंडित श्यामल चौधरी जी का ही इसमें ऑर्गेनाइजिंग में। फिर 2008 में हम लोगों का पहला टूर बना बाहर का, तो फिर वहीं से कर रहे हैं, अभी 12 साल हो गया है एक साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरती से और बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, और उसकी महक जो है वो बहुत अच्छी तरह फैल रही है संगीत की दुनिया में। और आप दोनों ही लोगों के बारे में जानकर और इस बात को समझकर कि कैसे हम अभी तक हम जब जुगलबंदी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम जुगलबंदियां हमने सुनी हैं, या जब जोड़ियों की बात करते हैं तो हम एक परिवार में पैदा हुए दो घर दो बच्चे जो सीख रहे हो वो जोड़ी जोड़ी में गाएं तो बात समझ में आती है। लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग तरह का जॉनर, एक क्लासिकल वोकलिस्ट, एक सितारिस्ट, लेकिन संगीत इसीलिए कहते हैं कि सबको जोड़ता है। और जिसने अप्पा जी से सीख लिया हो उसको तो जोड़ने की कला ऐसी आती होगी कि फिर वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं वाला मामला है, क्योंकि अप्पा जी तो हर आप दोनों लोगों को वैसे, अच्छा सही सही बताइएगा इस सवाल का जवाब, आप दोनों लोगों में से दोनों लोगों को ये लगता रहा होगा कि अप्पा जी आपको ज्यादा प्यार करती हैं और आपको लगता होगा कि आपको ज्यादा प्यार करती हैं, ऐसा लगता था क्या? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं। जो कि थोड़ा फेवर मुझे ज्यादा मिलता था क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होकर उनके पास सीख रहा,
तो थोड़ा उनका इससे कहती भी थी वो कि तुम जब कर रहे हो तो इसको दो आवर्तन करने देना, क्योंकि क्योंकि इसके सितार का जुबान नहीं है, इसका लिरिक्स नहीं है, तो वो एक्सप्रेशंस जब ये बजाए तो वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। लेकिन खासकर उनके प्यार में और उनके सिखाने के इसमें कभी ऐसा नजर नहीं आया कि कभी किसी को वो ज्यादा ये कर रही है। सवाल ज्यादा का था नहीं समन्वय, सवाल तो यही है कि अप्पा जी की खासियत ही यही थी। आप चाहे मतलब मैं मालिनी जी, सुनंदा जी, ये सब लोग जो हैं जिन लोगों के संपर्क में रहा हूँ पिछले लंबे समय से, यहाँ तक कि अप्पा जी का भी बहुत स्नेह रहा हमारी संस्था के प्रति, मेरे प्रति। और जैसे मुझे ये लगता था कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार मुझे करती हैं, लेकिन मेरे बगल में जो बैठा व्यक्ति था उसको भी यही लगता था कि सबसे ज्यादा प्यार उसको करती हैं। ये उनका उनका स्नेह बिल्कुल का जो तरीका था शायद बिल्कुल वो ऐसा था। खैर वो तो उनकी खासियत थी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आते हैं देवप्रिया आपके पास पहले। और आपने धनबाद का जिक्र किया, धनबाद में मेरी माँ बिहार से हैं तो हमारी कुछ रिश्तेदारियां भी बोकारो और धनबाद उसके इर्द गिर्द हैं। संगीत का क्या ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर था, मतलब माँ थी, माँ की वजह से संगीत है ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन संगीत को प्रोफेशनली जाकर बचपन में सीखना, उस सिंसियरिटी के साथ सीखना और फिर उसको प्रोफेशनल अप्रोच के लिए ऑप्ट कर लेना, ये सब कुछ इतना आसान था क्या वहां रहते हुए? नहीं, आसान तो नहीं था, क्योंकि हमारा जो था ना, मेरी परवरिश हुई है एकदम जॉइंट फैमिली, पहली बात। दूसरी बात, मेरी मम्मी वर्किंग थी, वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में नौकरी करती थी, और उनको ये नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल बनाना है। उनका ये था कि विद्या है और मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहती थी नहीं कर पाई, तो मेरे बच्चे को वो मिले। तो इसीलिए मैं वहां से आता था, मेरे गुरु जी पंडित शबरी चौधरी जी दुर्गापुर आते थे, तो वहां मैं आता था दो ट्रेन बदल के, बसेस बदल के, और ये करते हुए। तो हालांकि परिवार में मेरे पिताजी हर वक्त को सपोर्ट तो किए हैं, लेकिन बाकी लोगों को था थोड़ा सा कि उतने दूर जाके क्या करना है, क्यों सीखोगे, क्या बात है। लेकिन मेरी मम्मी को था, माता जी को था कि जो भी करना है वो सही तरीके से करना है, अगर करना हो तो, अगर सीखना है तो सही चीज सीखो, नहीं तो मत सीखो। क्योंकि एक और बात मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आंटी खुद भी सीखी थी कई सालों से, और ओके, ये अगर देवप्रिय इसी पे अगर थोड़ा ये प्रकाश डाले तो अच्छा है। हाँ, वो वहां पे वो सीखी थी तानराज जी के पास, तानराज जी बोल के ही हम लोग जानते थे उनको, और बहुत अच्छी चीजें उनसे उनको मिला था और बहुत प्यार से सीखी थी। और सौभाग्य क्रम में मेरे साथ जो तबले पे संगत करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, शिवदेव तिवारी जी, वो मेरी मम्मी के साथ भी बजाए थे, तो वो बताती थी कि माँ कैसे गाती थी, क्या था क्या नहीं था, तो उससे उत्साह तो था। लेकिन जहां तक सवाल है जो आप बोले कि एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बहुत इट वॉज नॉट वेरी सीरियस थिंग, वो एक कैजुअल एक एनवायरनमेंट तो था। क्योंकि क्या है ना कि सिंदरी में जो लोग मतलब बसे थे वो बहुत मोस्टली हमारे, जो हम लोग जो इसको बिलोंग करते थे, वहाँ एडुकेटेड क्वालिफाइड लोग जो आते बैठते थे, तो उनमें एक रुचि तो था कल्चर के प्रति, लेकिन ये एक सीरियस तरीके से इसको प्रोफेशनली करने के लिए जो चीज चाहिए, जो जो फिनेस के लिए करना पड़ता है, जो शिक्षण चाहिए, वो शायद नहीं कोई सोचा था। तो मेरी मम्मी सोच पाई थी, तो मुझे सिंदरी से, हालांकि कुछ कुछ लोग आते थे लेकिन हमें मालूमात नहीं था उनके बारे में। तो गुरुजी के पास जब हम शुरू किए थे, पहले तो हम बच्चे थे, तो गुरुजी पहले लेना नहीं चाह रहे थे कि नहीं वो बहुत छोटा है अभी उसको आप, तो मम्मी बोली थी कि हम इतनी दूर आपके पास ही आए हैं, तो आप अगर सिखाएंगे तभी वो सीखेगा, नहीं तो हम उसको नहीं लेके आए, चाहे मान लेंगे कि गाना नहीं होगा। तो वो था, तो फिर वो क्योंकि बहुत जिद जिद उनमें था, तो वो मुझसे करवाई है वो मेहनत की इसको जिंदगी का अंग बनाना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई है, कल एग्जाम है, कल कुछ है, वो मेरे साथ नहीं, इसके साथ भी, समन्वय के साथ भी सेम है, उसके पिताजी के प्रोत्साहन में ही वो किया है सब कुछ, तो इट्स द सेम स्टोरी एक्चुअली। तो वी हैड अ पैरेलल जर्नी, यू नो, मतलब शायद हम अलग अलग जगह पले बड़े हैं, लेकिन जो सोच विचार धारा जो भी है ना,
तो वो बहुत मिलता जुलता है, तो इसीलिए हम जब दोस्त भी बने हैं तो हमको वो जो लाइकिंग्स एंड डिसलाइक्स है ना वो बहुत एक जैसा है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई हमको कि अच्छा वो ये पसंद नहीं करता है, वो सोशलाइजिंग पसंद नहीं करता, वो ऐसा नहीं था, मतलब एवरीथिंग मैच्ड अप इन अ वेरी गुड वे। तो जो आप बोल रहे थे ना कि अलग अलग जॉनरा से, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवार से हम आए हैं, ये सही है, लेकिन आज हम परिवार ही है। और दूसरी बात कि वो जो प्यार और इज्जत जब बढ़ता है ना एक दूसरे के प्रति, सम्मान और प्यार, तो वो सारी कमियों को पूरा करता है। और वहां पे हम जब स्टेज पे भी बैठते हैं, हमारा थॉट रहता है कि वी क्रिएट वन म्यूजिक, एक ही संगीत, वो हम डुएट बोल के नहीं बैठते वहां पे। आप अगर सुने हैं या अगर सुनेंगे तो आप देखेंगे समर में काफी हार्मोनी ये बजाता है, इवन क्लासिकल इसमें भी। मैं भी कोशिश करता हूँ कॉम्प्लीमेंट करने का जिस तरह से, तो वो एक संगीत के लिए, ऐसा नहीं है कि हम डुएट कर रहे हैं कि चलो तुम्हारी बार तुम्हारा बारी आया अब तुम गाओ और तुम्हारी बारी आई तो तुम बजाओ, ऐसा नहीं है। सो वी क्रिएट इट अ सिंगल म्यूजिक टुगेदर, वी ट्राई टू डू दैट, तो गुरुओं के कृपा से, विद्या से जो भी मिला है। तो वहां से ये था, यस आई गॉट अ गुड एडुकेशन, गुड थॉट फॉर्म जो वो था, तो और क्योंकि वो बीज माँ ने बो दिया था कि इसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी आप पढ़ाई में कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको करना है ठीक से। तो हालांकि तो उसके लिए दिक्कत नहीं हुई, तो हाँ स्ट्रगल था वी। आप अगर मेरा मेरे हमारा वेबसाइट आप अगर पढ़े हैं तो आपको दिखा होगा, वी गिव्स यू फ्यू स्मॉल स्मॉल स्टोरीज ऑफ आर, मतलब द स्ट्रगल, जो तकलीफें हमारे मतलब पेरेंट्स लोग भी झेले हैं इसके लिए, लेकिन उनका था कि वो भी उतने ही समर्पित थे हमारे गुरु के प्रति जितना हम थे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है आज के जनरेशन या बच्चों के लिए, कि आप बच्चों बच्चे को जब देते हैं ना सीखने के लिए, तो माता पिता को भी गुरु, उनको गुरु मान के उतना ही समर्पित होना पड़ता है, तब जाके बच्चे वो रिएक्शन बच्चे में निकलता है। तो हम तो मतलब जब समरेश चौधरी जी के पास जितने साल, इवन बड़े होने के बाद भी उनके तरफ ताक के बात ही नहीं कर पाते, अप्पा जी के पास तो थोड़े बड़े होके गए थे तो बात कर लेते, तो उनसे तो उतना भी नहीं होता था, मतलब ताक भी नहीं पाते तुम तो वैसा। यस तो अच्छा, तो ये वो जर्नी अच्छा रहा। तो और छोटे से टाउनशिप से कलकत्ते तक का जो जर्नी है, लेकिन समन्वय, आप तो ऐसी जगह पैदा हुए जहां पर संगीत मतलब ऐसे भरा हुआ है। जब कलकत्ता में आप चले जाएं, पश्चिम बंगाल में, तो बड़े से बड़े तबलिए, बड़े से बड़े गायक, आप किसी भी जॉनर में बात कर लें, आपको वहां पर आपके अगल बगल, आप अगर म्यूजिक नहीं भी सीख रहे होते तो आई एम श्योर कि आपसे, आपके घर से 1 आध किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई बड़ा कलाकार जरूर रहता होगा। ऐसी स्थिति है वहां की। लेकिन जी आप जी तो क्रिकेट खेलना चाहते थे, आप तो बचपन में, आपका तो मन लगता था क्रिकेट की फील्ड पे। ये कैसे फिर क्रिकेट से क्लासिकल म्यूजिक, दैट टू सितार, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए, ये जो क्रेडिट है, ये ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही चीज कह दिया था, क्रिकेट खेलो, नहीं खेलो, पढ़ाई करो, ठीक है, सब ठीक है, करो, तभी हम करने देंगे, खेलने देंगे, अगर तुम सितार ठीक से बजाओ, सितार का रियाज अगर ठीक ठाक रहा तभी। क्योंकि मैं मानता हूं, देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया तो 4-5 साल की उम्र में खुद के चाहने पे सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट को अपनाना बहुत मुश्किल है ना? तो उसको एक तो ये एक उसका एक पॉस्चरल, क्या कहें, लिमिटेशन है। आप उछल कूद के सितार तो नहीं बजा सकते, जो एक बच्चे का, एक शैशव का जो एक कैरेक्टर है ना, वो बहुत चंचल रहता है, कोई भी बच्चा। तो तब एक पॉस्चर में बैठ के, तो एक पहली बात तो ये है, बहुत बहुत हद तक वो पीड़ादायक था, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे आपका पैर दुखेगा, आपका घुटना दुखेगा, कंधा दुखेगा, उसमें बैठ के आप जब बजा रहे हैं तो उंगलियां कट रहा है तार से। तो इट वाज मैं इसमें भाई बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन करता हूँ हर किसी को, कि द लर्निंग प्रोसेस इन द बिगिनिंग वाज नॉट वेरी। तो उनको यही था कि
सब कुछ करो, मेरे तरफ से कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है, लेकिन सुधार तो करना ही है। तो और छोटे उम्र में वो मुझे बिठा के करवाते थे रियाज, तो इसलिए इधर उधर भागने का कोई चांस नहीं था कि नहीं करे या भाग जाए कि अपने हिसाब से करे। तो वो जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में मैं रहा, मैं शुरू के 10 साल कम से कम, फिर मैं जब 13-14 का हुआ तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग द कॉम्पिटिशन। उसमें जब रिजल्ट आने लगा तो थोड़ा मुझको लगा कि हाँ अच्छा ही है, तो लोग अच्छा वाहवाही कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तब रियाज की तरफ खुद का जो एक ये होता है, वो जो क्या कहे उसका जो इंस्पिरेशन जो होता है वो बढ़ा, कि खुद के भी तब खुद थोड़ा थोड़ा खुद रियाज करने लगे। तो ऐसे ही बढ़ता रहा, लेकिन छोटे उम्र में शायद मेरे पिताजी वैसे नहीं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते और रियाज करवाते थे, तो शायद मैं क्रिकेट ही खेलता, सितार नहीं बजाता। और देवप्रिया, अगर एक जो कॉमन प्रश्न दोनों लोगों से है वो ये कि फिर ये किस वक्त डिसाइड किया कि नहीं, म्यूजिक को एज अ करियर हमको ऑप्ट करना है, क्योंकि हम सब अभी भी बहुत ईमानदारी से जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है। यहाँ क्लासिकल म्यूजिक के डोमेन में आप आकर घर चलाना इतना आसान काम नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी एक स्टैंडिंग नहीं हो जाती, आपको लगातार कार्यक्रम ना मिलने लगे। और आप लोग वाकिफ थे इस चैलेंज से, ऐसा नहीं कि आप ना वाकिफ थे और आ गए और फिर पता चला कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। बावजूद इसके ये हिम्मत कैसे जुटाई आप दोनों ही लोगों ने, या ये कैसे डिसाइड किया अपने अपने समय में कि नहीं हमें म्यूजिक ही करना है और करियर में म्यूजिक करना है? वैसा नहीं सोचे थे कभी। क्या है ना, उस जेनरेशन पे, हमारे माँ बाप के जो जेनरेशन है, उस जेनरेशन तक, मैं कहूंगा उस जेनरेशन तक बंगालियों में क्या था ना, एक आर्टिस्ट का एक बड़ा बहुत ऊंचा दर्जा था, कि अगर घर से कोई आर्टिस्ट, आसपास मोहल्ले में भी कोई आर्टिस्ट रहते थे तो उनका वो आर्टिस्ट का जो दर्जा था, उनका जो मान सम्मान था, उसका अलग ही नजर से देखते थे लोग। तो हमारे पेरेंट्स दे बिलोंग टू दैट जेनरेशन, तो हम लोगों को कभी ये सुनना और इसका कोई भनक भी नहीं मिला कि देखो ये करने जा रहे हो, आगे का रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। तो जब हम लोगों ने, शायद देवप्रिय का भी यही मानना होगा कि हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि ऐसे ही हम इसको ही हम लेके चलने वाले हैं पूरी जिंदगी, तो कुछ मतलब कि डिमोरलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा इंस्पिरेशन ही मिला घर से, कि अगर ऐसा सोचे हो तो ठीक है, देखा जाएगा, आप कुछ ऐड आगे करेंगे देखा इसमें जाएगा। देवप्रिया? हाँ बिल्कुल, जो उसने कहा वो तो सही बात है कि वैसे कोई होता है ना कि आपको जो बोला कि डिमोरलाइज करना या कुछ कैसे करोगे क्या करोगे, तो वी आर फॉर्चुनेट दैट वे कि हमारे घर से वो प्रोत्साहन बोलिए, वो सहायता बोलिए, आज भी माता पिता का जो सपोर्ट है वो इट्स देयर फुल फुल्ली, यू नो। तो वो बहुत एक, उसके लिए हम ऊपर वाले का बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार है और जो भी है, तो उसका एक तो है बिल्कुल, वो चैलेंज हमें नहीं फेस करना पड़ा है। हालांकि हाँ एक चीज जरूर कहेंगे कि हम अगर अपनी तरफ से सोचे तो हमारे लिए कहीं वो होता है ना संगीत का एक आनंद, संगीत के साथ रमना, वो सीखने के साथ जो एक एक चीजों का, जो जब गुरु लोग भी हमारे पास हर एक पन्ना अनफोल्ड किए हैं तो उसमें जो एक आनंद हुआ है या आनंद मिला है, चाहे चीज हो, चाहे बारीकियां हो, चाहे छोटी छोटी बात हो, तो तब हमें कभी ये नहीं लगा कि इसमें बहुत बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी है। उसके बारे में भी हम कहेंगे कि हम दोनों के विचार में अगर ये देखा देखा जाए तो हम उसमें रमे हैं रोज, मतलब रोज उसके साथ हमारा जो ताल्लुका, जो संबंध बना है ना, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। अब वो जहां तक आए नाम होना या काम मिलना, वो अलग चैप्टर है, डेफिनेटली वो बहुत एक अलग चैप्टर है। उसके साथ आप आज
वाकिफ हैं, और आज आप तो मीडिया से हैं, आप जानते हैं और भी बारीकियों को, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन संगीत में आज भी हम जो कोशिश हमारी रहती है कि फिनेस पे काम करना, और वो रोज हमें इंस्पायर करता है करने के लिए इसका। वो इसलिए नहीं कि कार्यक्रम आज दो है, कल नहीं है, परसों एक भी नहीं है, वो या एक है या हजार है, वो अलग बात है, लेकिन वो फिनेस पे और परफेक्शन पे, हम दोनों ही बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, हम इसको मानते हैं, और जो हमें सुनता पहचानता है वो जानते भी होंगे, तो उस पे हम बहुत गौर करते हैं। तो वो जो है ना, वो हमको अंदर से रोज धकेलता है कि देयर इज नो लुकिंग बैक एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड स्ट्रगल। एवरी स्ट्रगल शुड बी टू एनरिच योरसेल्फ। तो वो जो एनरिचमेंट है वो उससे मिलता है। अगर सब कुछ बहुत फ्लावरी होगा तो नहीं करेगा इंसान वो। आज भी हम सीख रहे हैं, इसलिए कि हमें वो सोच है कि नहीं, इस विधा को मुझे जानना चाहिए, उसको अगर मुझे कायम करना है आने वाले भविष्य में किसी तरह से, या मेरे सोच विचार उसमें और क्या कहें, और विकसित हो, अगर उस पे हम सोचे उस बात को, तो मेरे मेरे पास उतनी विद्या होना मतलब होनी चाहिए कि मैं इस पे और काम कर सकूं। तो इसीलिए वो कभी नहीं आया। हालांकि किसको नहीं चाहिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव, पैसों की जरूरत सबको है, फैमिली है, एवरीथिंग इज देयर, वो तो है ही। लेकिन जहां जब हम संगीत को लेके बैठते हैं, आपको कुछ बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, जब भी सोचते हैं या सीखे हुए चीजों का रियाज या सोच विचार करते हैं ना, तो बाकी चीजें हट जाती है दिमाग से, वो तब उसी में घुसता है। तो वो गुरुओं का कृपा है और आशीष है ऊपर वाले का। नहीं, और और हम लोगों के है ना, हम लोगों कभी भी घर से, अभी के जो न्यू एज पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चा इतना करता है तो पेरेंट्स इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि बहुत, विच इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर द किड्स। लेकिन हम लोगों को कभी भी महसूस नहीं करवाया गया कि तुम कुछ किए हो। हम लोगों को अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से यही मिलता आया है कि और खोजो, और करो, और साधो, अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ये सोच घर से था, गुरुओं से तो था ही, लेकिन ये सोच घर से था कि ये अंतहीन है, तो इसको तुम जितना खोजोगे, जितना खोजोगे। मेरे पिताजी मुझे, खासकर मुझे वो सब मेमोरीज अभी भी स्टिल, दोज आर फ्रेश इन माय माइंड। वो बड़े बड़े, जो आप जानते हैं, बंगाल में बहुत सारे, मतलब कि जो फिलोसोफर्स हैं, जो नॉवेलिस्ट हैं, हाँ, तो इनका जो आर्ट एंड कल्चर के इस पे इनका जो प्रबंध है, खासकर टेगोर का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, तो वो सब हमके पढ़ के सुनाते थे पिताजी। कि जहाँ एक जगह उन्होंने, अभी भी मुझे याद है, वो बताया, देखो क्या कह रहे हैं। तो वो बंकिम चंद्र जी का एक प्रबंध उन्होंने मुझे पढ़ाया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि विद्या कभी आपको तृप्त नहीं करता है, विद्या कभी आपको तृप्त नहीं करती है, वो आपको अंधकार से घोरतर अंधकार में ले जाता है। मतलब वो आपको और गहराई में ले जाते हैं। तो ये सोच हम लोगों के दिमाग में और जहन में बहुत, मतलब कि छोटे उम्र से पढ़ता गया, और जब हम सीखते गए, उम्र होता गया, 20 साल हुआ, 25 30, जैसे पार की हम लोगों ने एक एक डिकेड ऑफ आवर लाइफ, तो इन सभी बातों का जो महत्व, कितना ये लोग, मतलब कितनी गहरी बात है और इसका जो सच्चाई है, तो धीरे धीरे वो सामने आने लगे। तो इसीलिए हमको कभी, तो उस शिक्षा से, हमारे घर घर से जो मिला, उससे कभी हमको अभी भी नहीं लगता हम कुछ कर पाए हैं, क्योंकि ये खोज जिंदगी भर का है। अभी देखिए, नाम यश, मतलब कि संपद, ये सब तो ठीक ही है, ये जीवन चलाने के लिए, फॉर योर ब्रेड एंड बटर, आपको इसको टेक केयर करना ही पड़ता है। लेकिन ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें आप करियरिस्टिकली नहीं सोच सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे आप करियर ओरिएंटेड होते हैं, अब आपका दिमाग और आपका सोच, उसमें क्या है, विद्या की खामी रह जाती है। तो जितने भी बड़े कलाकार हैं, आप देखिए उनकी बात, उन लोगों का बात यही है कि इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि आज प्रमोशन हुआ, अच्छा नौकरी मिली, अच्छा जॉब मिला, अच्छा बहुत बड़ा करियर बना, नहीं है।
तो वैसे शायद जो दो चार ही बने, लेकिन बाकी के भी जो कर रहे हैं वो भी उनका अपना क्या कहे, उनका अपना एक अपना जर्नी, अपना अपना जर्नी है, वो कभी खत्म, कभी ना खत्म होने वाला जर्नी, वो सुरों का जो है, लय का, ताल का, बिल्कुल है। क्योंकि इस दुनिया में सुर ताल लय के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए हम लोग नॉइज की इतनी बात करते हैं कि कितना नॉइज है, कितना नॉइज है। जैसे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सुर से बाहर है, थोड़ा ताल से बाहर है, लय से बाहर है, तो हम लोग को नॉइज ही लगता है, तो अंदर से एक मतलब घबराहट फील होती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड तो ताल लय में ही है, और जो नाद जो है वो तो उसी का आवाज है, शब्द है, उसी का मतलब कि वाइब्रेशन है। तो ऐसे ही चल रहा है जिंदगी भर, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, बिल्कुल, इस मामले में मैं थोड़ा सा, मतलब गुणों के मामले में तो आप लोग के आसपास से भी कहीं से नहीं गुजर सकता, लेकिन इस सोच के मामले में मैं कह सकता हूं कि मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है। मैंने भी 2013-14 के आसपास अपनी टेलीविजन की नौकरी छोड़ के ही इस संस्था की शुरुआत की थी, और मकसद बस ये था कि कितना अवेयर कर सकें हम इस ग्रेट आर्ट फॉर्म को लेकर, और खासतौर पर जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको कैसे हम इससे जोड़ सकें, कैसे उनको बता सकें कि हम एक ऐसे देश में रहने वाले हैं जिस देश के ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिनके नाम लेना शुरू करेंगे तो हम लोग शायद सुबह हो जाए या हो सकता है कल रात तक नाम लेते रहें। और कृपया, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि उदय भावलकर जी का भी इंटरव्यू रागगिरी के लिए मैंने किया है, और बहुत अच्छा इंटरव्यू है, उन्होंने बहुत शानदार बातचीत की है। कभी आप लोग को फुर्सत मिले तो वो जरूर देखिएगा। और एक दिलचस्प किस्सा अभी जरूर बात करते करते ये याद आया मुझे कि जब अप्पा जी को पता चला कि इस संस्था की शुरुआत नौकरी छोड़ के की गई है, तो आपको तो भोजपुरी समझ में आती होगी देवप्रिया मेरे ख्याल से, या नहीं समझ में आती? तो दोनों को ही आता है, क्योंकि अप्पा जी अच्छा, हमसे भोजपुरी में ही बात करती थी, और मुझे बिहार और यूपी दोनों का आता अलग। हाँ, तो मुझसे तो उन्होंने बिठाया बगल में कहीं कि नौकरी छोड़ देला, तो हमने कहा हाँ, तब कैसे काम चली? हमने कहा चली अप्पा, राऊर आशीर्वाद है, चली जैसे चले कोई चली। अरे ऐसे कैसे, पतो बिया बच्चा बड़ा सा। तो वो जो उनका जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे कि वो उनका स्नेह, और फिर उन्होंने जो बात कही वो तो खैर जीवन भर मेरे साथ रहेगी कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक ब्लैंक चेक है, तुमको जब चाहिए हो ले लेना। तो जबकि मैं उनका कोई शिष्य नहीं, मेरा संगीत से दूर दूर कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ कलाकारों के साथ इस तरह के संबंध आपके बन जाते हैं कि वो आपके बड़े भाई, माता पिता, या शायद उन्हीं के समकक्ष का कोई एक रिश्ता बनता है। खैर, अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो आखिरी सवाल भी है देवप्रिया, और उसको मैं समझना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी क्यूरियोसिटी है। आप दोनों ही लोग इंडिविजुअल भी आर्टिस्ट हैं, आप दोनों लोग अलग अलग आर्टिस्ट भी हैं, आप गाते हैं और अभी जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं समन्वय सितार बजाते हैं। किस तरह के कार्यक्रमों की डिमांड ज्यादा आती है अब आपके पास? जाहिर सी बात है, अब एक एक आप दोनों लोगों के बारे में लोग जान चुके हैं, ऐसे में ज्यादा कार्यक्रम इस तरह के आते हैं कि आपके गाने के लिए या समन्वय के सितार के लिए, और या फिर अब चूंकि लोग जान चुके हैं और एक यूनिक किस्म का कॉन्सेप्ट है तो ज्यादा कार्यक्रम की डिमांड किस तरह की आती है, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूं। हम बाहर के जो कॉन्सर्ट है उसमें ड्यूएट का डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एकदम नया ये है। हालांकि अगर आप अलग अलग स्पेस सोचें देखें तो इंस्ट्रूमेंट का लिरिक लैंग्वेज के साथ, डायलेक्ट के साथ कोई ये नहीं है, तो उनके उनको सुर के साथ रिलेट करने में आसानी होती है। तो आप देखेंगे मोस्ट बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोग बाहर टूर करते हैं, और लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जब समन्वय बहुत 2000 से ही हैज बीन टूरिंग, मैं 2004 से बाहर जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर साथ में तो हम लोग 2007-08 से तो हम लोग एक ही साथ घूम रहे हैं ऑलमोस्ट। तो बाहर के इसमें देखेंगे तो हम लोग डुएट बहुत ज्यादा किए हैं, और इंडिया में ऐसा है कि वो इक्वली ये है, हम सोलो भी क्या करते हैं, समन्वय भी सोलो बजाते हैं, अभी हमारा डिबेट का कॉन्सेप्ट है, फिर एक ही सर में समन्वय का सोलो भी है, मतलब बाद में है।
असल में अभी सुरबहार भी बजा रहे हैं, तो हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट जो आई थिंक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है अभी तक, तो जिसको भी हम एक कॉन्सिस्टेंट ये देंगे वो है सुरबहार और गायन का जो जुगलबंदी है, तो उसको हमने किया है। अभी आप 2-3 वीडियो देखेंगे भी यूट्यूब में, अभी रिसेंट एक कॉन्सर्ट भी हम किए हैं, मतलब ऑनलाइन था, तो शायद ख्याल की शैली में, शैली में हमको मालूम नहीं, लेकिन ध्रुपद शैली में नहीं हुआ है, जो मेरे गुरुजी को मैंने बताया भी तो बड़े खुश हुए, तो कोशिश कर रहे हैं जो भी विद्या उनसे मिला है, क्योंकि वो पहले आपके पिछले सवाल से मैं दो एक चीज जोड़ूंगा, ये टेक्निकल है कि म्यूजिक में, ये हमें कुमार प्रसाद मुखर्जी जी बोले थे कि जब सरप्राइज खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सरप्राइज के लिए आपको रोज ये करना पड़ता है। हमारी माता जी यहाँ रहती नहीं है, वो आई थी अभी हमारा जो कॉन्सर्ट हुआ ना अभी ऑनलाइन, तो वो सुन के बोल रही थी कि बस इतना ही बोले कि कॉम्प्लिसेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिसेंस जब हो जाओगे ना तो तुम तरकीब खोजोगे, आसान तरकीब, शॉर्टकट्स, कि कैसे उसको हम उस खामी को पूरा करें, और चाहे वो गले से हो या किस शोध से हो, तो इसीलिए उस पर ध्यान देना। तब आप जब हम जब दोनों गाते बजाते हैं, हमको मालूम हो जाता है गाते बजाते कि हमको क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्या हम कर सकते, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं, तो उसके पिताजी मेरे माता जी को कहीं ना कहीं शायद ये हो जाता है, बोलते नहीं है अभी, लेकिन कभी जब बोलते हैं तो एक ही लाइन काफी होता है बोलने के लिए, तो ये है, तो दिस इज द थिंग। जो बात अभी देवप्रिया कह रहे थे उसको थोड़ा सा अगर मैं आसान करके अपने सब्सक्राइबर्स को समझाऊं तो कहने का आशय ये कि आप अगर म्यूजिक में प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे तो फिर तो बात कहीं गड़बड़ हो रही है। क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप अगर किसी भी राग का उदाहरण ले लें, राग यमन जो आज आपने गाया है आप कल वो राग यमन नहीं गाते। वही राग यमन एक नए तरीके का आता है, उसमें एक नई ताने बनती हैं, कुछ नया होता है, कुछ नई सोच होती है, और यही शायद कलाकार की साधना और उसके उसके रियाज का असर भी होता है। समन्वय सही कह रहा हूं मैं एक तो मेरे ख्याल से, और सवाल आपसे अगर मैं सही गलत कह रहा हूं तो ठीक करिएगा प्लीज। सवाल आपसे ये है नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल वही वही मेरे मेरी भी समझ यही है कि अगर राग आपने राग यमन अगर आप 300 कार्यक्रमों में गा रहे हैं और 300 कार्यक्रमों में आपने अगर एक जैसा राग यमन गाया तो फिर वो राग यमन के साथ जस्टिस नहीं है, और आपको कलाकार कहने के लिए भी बहुत समस्या होगी। नया हर पल शास्त्रीय संगीत यही संस्कार भी देता है। समन्वय आपसे जो आखिरी प्रश्न है मेरा वो ये कि चूंकि ये जो यूनिक एक तरह का ब्लेंड है आप लोग का, ये डिसाइड कैसे होता है? मतलब जैसे हम लोग जुगलबंदियां देखते हैं, मान लीजिए कथक की जुगलबंदी देख रहे हैं, या मान लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की जुगलबंदी देख रहे हैं, या वोकल में भी हमने देखा है राजन साजन जी को गाते देखा है, या फिर गजल में अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब को गाते सुना है, लेकिन आप दोनों लोग जब आपस में प्रोग्राम कंसीव करते हैं, मान लीजिए राग भीम पलासी ही गाना है या बजाना है या कोई भी राग, अब तो यमन है बिहाग है कुछ भी है, ये कैसे तय होता है कि इसकी प्रस्तुति कैसे बन होगी? मंच पे जाकर हम दोनों, आप अपने सितार से और देवप्रिया अपने गायकी से, किसी भी एक राग को लेकर प्रस्तुति के बारे में कैसे सोचते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? जी देखिए, हम लोग इंडिविजुअल प्रोसेस के ऊपर उठ के राग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। राग की कैसी कैरेक्टर है, कैसे उसकी इमोशंस है, और राग क्या चाहता है, राग का डिमांड क्या है। तो जैसे ही राग को आप महत्व ज्यादा देते हैं तो राग खुद आपको रास्ता दिखाता है। तो क्योंकि सोच जब एक ही तरह हो और एक ही साथ हो एक ही चीज में, भीमपलासी में जब सोच दोनों का ही हो तो दोनों ही भीमपलासी ही सोच रहे हैं, तो भीमपलासी दोनों को ही भीमपलासी रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा आपको वो जो है मैं ऐसे लूंगा मैं ऐसे करूंगा मुझे यहाँ बजाना है ये चीज उसका जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि शायद मैं कुछ बजाया तो उसको सुन के, क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस राइट, जब आप कुछ फिक्स नहीं करके बैठते हैं, हाँ उसके लिए आपका यू नीड सर्टन स्किल ताकि आप अपने मीडियम से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो क्या है, ये कांस्टेंट प्रोसेस कि अगर आप सुनते रहे एक दूसरे को तो
हर दरवाजा दोनों तरफ खुलता है। और दूसरी बात, आपने जैसे बोला कि समन्वय बजाते हैं और आप जो गायकी से बोलते, समन्वय सितार से गाता ही है, ये उसके सुनने वालों को मालूम है, तो वो सितार से गाता ही है एक्चुअली, और वो गाता भी अच्छा है। तब वो ऐसे अप्पा जी से या गुरु से जो भी सीखा, बैठ के गा के ही सीखा है, फिर सितार से बजाता है। तो इसीलिए हमारा जो जुगलबंदी जब हम किए हैं ना, तो आपको वो चैलेंजेस नहीं फेस करना पड़ा है कि भैया इसके साथ हम कैसे क्या करें। हमने एक दूसरे से चीजों को लिया है, उनको बटोरा है और उनको सराहा है, बस इतना ही हमारा काम था। बाकी जो विद्या हमको गुरुओं से मिला है, हाँ, अप्पा जी के पास जाने से पहले ही हम ड्यूएट शुरू किए थे, और सब कुछ को हमने मतलब सोच समझ के, जैसे जब हम शुरू किए थे ना, इट वाज, मैं पहले भी एक बार बोला हूँ कि इट वाज नॉट वेल फॉर्मेटेड, तो उसका जो फॉर्मेट था हमारे दिमाग में नहीं था। ये हम एक कॉन्सर्ट में, वी जस्ट ट्राइड समथिंग, और जो लोगों को बहुत अच्छा लग गया ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्सर्ट, और वहाँ मोस्टली इंडियंस ही थे, वो कॉन्सर्ट बहुत एक प्राइवेट बैठक ही था, और सारे सुनने वाले लोग हैं, बहुत गुणी लोगों को सुने हैं वहां से, सुनते सुनते बुजुर्ग थे जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं लेकिन सुने हैं, तो उनसे जब ये मिला वो कि हाँ दिस इज समथिंग हैपनिंग और दिस इज समथिंग, और तब हम बहुत छोटे थे, तो अभी जो फॉर्मेट आपको सुनने में मिलता थे वो, उसके लिए हम लोग इवन ग्रीन रूम में भी हम राग ठीक करके स्टेज पे बैठते हैं, ऐसा भी हुआ है। आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, ये क्या करना है आज, सिर्फ हमको मालूम होना चाहिए कि ये राग हम करेंगे बस, नहीं, बाकी अगर हम चैलेंज करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंज, जब देखिए स्किल पार्ट आता है तो चैलेंजिंग, कुछ कुछ चीजें चैलेंज हो भी जाता है ऑन स्टेज, लेकिन वो चैलेंज करते भी हैं एक दूसरे, तो वो म्यूजिकली चैलेंज करते हैं, उसमें जी ईगो नहीं है, वो चैलेंज ईगो का नहीं है, वो वो एक म्यूजिक का ही खोचा चैलेंज होता है। है तो हम बस। लोगों को लगता है कि म्यूजिक का ही जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिक है वही ऊपर उठता है। बिल्कुल, और चैलेंज तो मतलब आप लोग तो खैर चलिए मित्र हैं और साथी कलाकार हैं। यहाँ तो देबूदा का एक बार इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्रतीक जो है वो कभी कभी बदमाशी करता है, तो मुझे लगा, मैंने कहा क्यों, बोले कभी कभी बहुत तेज बनने की कोशिश करता है, बहुत तेज तेज भागता है जब मेरे साथ जुगलबंदी करता है, तो लेकिन मैं भी छोड़ता नहीं हूं। तो वो ईगो नहीं है, वो तो बल्कि सुनने वाले के लिए एक तरीके से ट्रीट बिल्कुल है कि बिल्कुल उसको और सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद आप दोनों को, देवप्रिया और समन्वय, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। यही यही मतलब आपके तमाम जो गुरु रहे हैं उन सबको बहुत विनम्रता से याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, मेरी तरफ से यही है कि बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आप लोग का जो जोड़ है ना, ये बस ऐसे ही बना रहे और कुछ लगातार अच्छा सुनने को मिले। आपने सुर बहार कह के एक लालच भी दे दिया है, तो अभी कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन बाद मैं फिर आप लोगों को पकड़ूंगा, समय लूंगा आप लोगों से, और बिल्कुल फिर बिल्कुल उसकी भी बिल्कुल कहानी सुनेंगे कि वो क्या कहानी है। फिलहाल अभी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
Mm-hmm.